कि मेरा पसंदीदा जो सबसे बिल्डिंग है होटल की ना जिद्दा में, कैलेरिया देख रहे लेफ्ट साइड में, वो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंडियन एम्बेसी। सलाम अलैकुम, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। ये पीछे देख रहे हैं ये है डिजिटल सामिर, दिखाता हूँ ऊपर करके मैं आपको। और यहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है। और ये देख रहे हैं ना सूरज की रोशनी आपको सही से ना दिखे क्योंकि सूरज इसी की तरफ है। यहाँ पर जिद्दा ख़त्म होता है यानी ये लास्ट है, और ये साइड है पूरब की साइड जिसे अरबी में कहते हैं शर्क। और ये देख रहे हैं ना इस साइड में, ये है डिजिटल वहाँ। दूसरी सबसे ख़ास चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ जिसके लिए ये वीडियो बन रही है आज स्पेशल, ये रोड देख रहे हैं ना, इसका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट। और ये रोड सिटी के बीचों बीच है और ये यहाँ से शुरू होता है छोटी सी पहाड़ी से, ठीक है, यानी समझ लीजिए आप डिस्ट सामिर से, और ये लास्ट तक जाएगा किधर तक, तरीक मलिक तक वहाँ पे। तो यानी ये पूरा रोड मैं आज दिखाने वाला हूँ, इसके राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो 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 चीज़ें हैं फेमस उसको बताते चलूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सामने सूरज, मेरी आंखें बंद हो रही है, बस इतना ही। चलते हैं नीचे और मैं दिखाता हूँ ये रोड आपको। स्टार्टिंग में ही ये कैमरा सामने है ऊपर, और ये सामने जो राइट साइड रोड जा रहा है ये एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फिर चला जाएगा दाबान, रहेली यानी मदीना जा सकते हैं यहाँ से। और लेफ़्ट साइड ले लेंगे तो चले जाएंगे ऊपर कुबरी से, ऐसे घूमेंगे, ये तहलिया कुबरी बोलते हैं। और ये जो रोड है ये तो इसे सऊदी यानी अरबी में खस्तरी कहते हैं, और हम लोग कहते हैं तरीक मक्का रोड, तरीक मदीना रोड, जो भी बोल लो। नंबर है 5 है 55 नंबर हाईवे, ठीक है, रिंग रोड है। और इसके नीचे ही से मेट्रो ट्रेन जाती है, तो लेफ्ट साइड में सुलेमानी वाले स्टेशन पे जाती है, राइट साइड में चली जाएगी एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट पर, ठीक है, एयरपोर्ट से फिर मदीना। देख रहे हैं ये राइट साइड में ये बोर्ड लगा हुआ है ना मक्का जाने के लिए, राइट साइड यहाँ से लेंगे तो आप मक्का चले जाएंगे। मक्का यहाँ से है तकरीबन 65-70 किलोमीटर मक्का है, और मदीना तकरीबन 400 पकड़ लीजिए, 380-390 या 400 यानी। और राइट साइड में देख रहे हैं ये दानो मार्केट है, तो इस रोड पे जो जो चीज़ बड़ी बड़ी है वही चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, सब बताना तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और ये जो कुबरी आएगी इसके नीचे वाले रोड को कहते हैं उम्मुल कुरा, और राइट साइड में ये अलारम है, शॉपिंग मॉल है, ठीक है, कपड़े उपड़े का इसकी वीडियो मैं बना रही, अलारम के नाम से उसको देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में फाइन लुक है, इसकी भी वीडियो बनाई, ये भी कपड़े उपड़े का है, इसकी भी वीडियो देख सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड में ये सेंटर पॉइंट है नीचे, उसकी भी वीडियो बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और वहीं पे जरीर है, मैक्स है, सब एक साथ ही है, ये तहलिया स्क्वायर के नाम से ये है, तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं तो आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद ये नादिया अहली का फुटबॉल ग्राउंड है लेफ्ट साइड में, ये जो नीले और सफ़ेद कलर का देख रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, इस वक्त बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जाए तो 29 सेल्सियस है यानी, और गर्मी भी हल्की है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। और ये जो है प्रिंस मुतायब रोड है नीचे, जिसे अरबाइन भी कहते हैं, ठीक है, ये कुबरी, कुबरी यानी ये जो कहते हैं ब्रिज, अरबी में इसे कुबरी कहते हैं, इसके नीचे वाला। और ये सामने जो आ रहा है ऊपर देख रहे हैं ब्रिज, देख रहे हैं नीचे अंडरपास है, ये है
सबैन प्रिंस माजिद रोड, राइट जाएंगे तो एयरपोर्ट की सब तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो आप लद वलद साइड चले जाएंगे मक्का। और ये देखिए लेफ्ट साइड में इंडियन स्पाइस होटल है, ठीक है, रेस्टोरेंट होटल नहीं, छोटा सा, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, देख सकते हैं आप चैनल पर। और ये राइट साइड में देख रहे हैं ना आप, ये साको है, इलेक्ट्रिक सामान का शॉपिंग मॉल है और बहुत अच्छा सामान इससे मिलता है। साको की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ा सा दिखाया है मैंने एक वीडियो में, उस पर इलेक्ट्रिक सामान बहुत अच्छा मिलता है, महंगा मिलता है, मगर सब ज़्यादा यानी 80-90% सब चीज़ें जो होती हैं ओरिजिनल होती हैं। और सबसे चीज़ अजनबी के लिए इस रोड पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, राइट साइड में देखेंगे ना आप, यहाँ पे पाकिस्तानी होटल आएगा, पाकिस्तानी लोगों की शॉप आएगी, गोश्त लेके, कपड़े की लेके। यानी एक टाइम हुआ करता था 7-8 साल पहले जब मैं पहली बार इस रोड पर आया था और ख़ास करके जुमे के रोज़ आया था असर के बाद 5 बजे, तो ऐसा लगता था मुझे मैं पाकिस्तान पहुँच गया, माशाल्लाह सब वहीं कुर्ता पजामा दिखता था, ऐसा लगता था छोटा पाकिस्तान आ गया हूँ मैं। पर वो रौनक पहले नहीं रह गई क्योंकि लोग भी नहीं रह गए। ये देखिए बदजमजम टू नाइट है, ये बहुत मशहूर होटल है, यहाँ पे कई ब्रांच मिल जाएगी आपको जिद्दा में इसकी, और अच्छा चलता भी है, खाना भी अच्छा रहता है, और यहाँ पे निराला उराला सूट वूट मिल जाएगी, कार्गो करने के लिए मिल जाएगा। और ये माताम शहरजाद है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में छोटी छोटी ये हैं दुकानें, वो भी पाकिस्तानी भाइयों की ज़्यादा है, सीट पर भी कोई ख़ास दुकान नहीं है, छोटी छोटी है। यानी यहाँ पर घर और टन के जाते टाइम यानी कंप्लीट मार्केट कर सकते हो ये छोटी सी जगह पे, और पाकिस्तानी भाइयों लोग की ये फेवरेट जगह थी, पर अब वो बात नहीं रही। और ये जो हमें अंडरपास में गया हूँ अभी, ये ऊपर जो रोड है इससे कहते हैं तरीक मकरोना, ठीक है। और अगर जो रास्ता अपने इधर चौराहा बोलते हैं ना कट करता है, अरबी में उसे कहते हैं तगाता। अब सही मैंने अल्फाज थोड़ा सा ना, अरबी मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो अदायगी में जो लहजे में थोड़ा सा अगर फ़र्क हो तो प्लीज़ माफ़ करना मुझे। और ये जो ब्रिज आ रही है यानी कुबरी आ रही है, अभी मैं जाऊंगा ऊपर से क्योंकि मुझे तो सीधे जाना है, तो राइट साइड में ये है, इसे है, कहते हैं रोड को मलिक फहद सिद्दीन रोड, ठीक है। ये राइट साइड में जाएंगे तो एयरपोर्ट चले जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे सरफिया होते हुए चले जाएंगे आप बलद जा सकते हैं, मक्का जा सकते हैं। अच्छा राइट साइड में देखिएगा मून टून है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल और मेगा मॉल है, इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, नीचे दानूब भी है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये है इसका, देखिए इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिद्दा पार्क, ठीक है। ये नया खुला है और शायद ये आने वाले टाइम में जब पूरी तरह ओपन हो जाएगा तो जिद्दा का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है ये, ठीक है। इसकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बड़ा अच्छा बनाया है। और ये इकिया है फर्नीचर का शॉपिंग मॉल, ठीक है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में एक और चीज़ आएगी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक सामान का, मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं है मगर है फिर भी बेहतर है, ठीक है, इसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। और ये देख रहे हैं बोदल अपार्ट होटल बोदल, इससे मेरी यादें जुड़ी हैं, इस पर एक बार मैंने अपनी पर्स खो दी थी लिफ्ट में, ठीक है, आधे घंटे बाद मैं वापस आया, स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा था और जिसे मिली थी वो बेचारा इंडियन ही था और उसने दे दी थी काउंटर पर, काउंटर पर आके पहले ही पूछा मैंने और मुझे फ़ौरन उन्होंने दे दिया पर्स मेरी, पूछा उसमें कितना पैसा ऐसा है और फौरन मुझे दे दिया। और दूसरी चीज़ सबसे नई चीज़ इस पर ये अंडरपास है जिसे नफक कहते हैं, ये कुबरी नीचे और ऊपर है ये तरीक मदीना, और राइट साइड में ये कंपनी है पेप्सी, और ये कुबरी यानी ब्रिज कुबरी पेप्सी के नाम से मशहूर है, ठीक है। और इसकी ये जो है नाइट में मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, इस ये कुबरी जब ओपन हुई थी ये नफक यानी नीचे वाली। तो इस रोड की सबसे असल खूबसूरती शुरू होती है तरीक मदीना के बाद से, अब से इसका यानी ये जिद्दा का सबसे खूबसूरत रोड था। और इस पर जो दुकानें साइड में हैं राइट में लेफ्ट में,
और स्कॉट की देख रहे हैं ये बिल्डिंग है राइट लेफ्ट में, इसका मुआजना लोग करते थे यहाँ पे सऊदी भी अजनबी भी पेरिस और लंदन से यूरोप से, क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉप थे हैं राइट लेफ्ट में ये सब बहुत वीआईपी हैं, सब इंटरनेशनल ब्रांड है यानी। तो सबसे खूबसूरत अगर रोड था अगर शॉपिंग करने के मामले में तो ये था, मगर ये नफक का जब से काम शुरू हुआ 2-3 साल से ना तब से ये थोड़ा सा ये डाउन हो गया। इस पर ज़ारा और सब ब्रांड बहुत लाओ की ज़ारा यानी एक से एक यानी इंटरनेशनल सभी ब्रांड मिल जाएंगे इस पर, जैसा मैंने कहा ना इस ये बहुत ही खूबसूरत था, मगर ये बीच में थोड़ा सा इसकी वैल्यू कम हो गई काम उम की वजह से यानी सब बंद था। बहरहाल अब फिर इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा और अच्छा हुआ, अब तो रोड रोड चौड़ा हो गया है। और ये देखिए नौजोत सेंटर है, इसमें भी सब ब्रांड है, स्केचर एडिडास उडास शूज़ वूज़ के सब मिल जाएंगे। यहाँ से मैं राइट जा सकता था अभी इन्होंने बनाया है, मगर इशारे से चलेंगे। थोड़ा सा ये होटल भी दिखा दूँ क्योंकि मेरा पसंदीदा जो सबसे बिल्डिंग है होटल की ना जिद्दा में, कई मैंने शॉर्ट वीडियो टिकटॉक पे भी डाली हुई है, ये गैलेरिया देख रहे लेफ्ट साइड में, ये कसम से ना इसमें जाने का भी मुझे चांस नहीं मिला, किसी दिन इंशाल्लाह इसमें जाएंगे, मगर है ये कमाल का, पैसा लगा है भाई ये, इसकी बिल्डिंग तो मुझे बहुत पसंद आती है। और ये असीला होटल है पंदक असीला, ये तो कांच की बिल्डिंग है पूरी तरह, ठीक है। और मिस कर दिया मैंने पीछे वो कांच वाली बिल्डिंग बिन हमरान थी, वो भी बहुत मशहूर है, मगर मेरा ध्यान उधर नहीं गया, सॉरी। तो ये पंदक असीला मशहूर है, ठीक है। राइट साइड में अलबैक है यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट, सस्ता भी है और काम कर रही है। देख रहे हैं ये राइट साइड में जितनी चीज़ें हैं ना ये सब ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड की शॉप है, सब एक से एक है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम इंडियन के काम की चीज़ है वो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंडियन एम्बेसी, ये देख रहे हैं एनसीबी आली एसएनबी आली की, ठीक है। ये बैंक ना इसके जस्ट पीछे ही है इंडियन एम्बेसी, वो तिरंगा मेरा दिख रहा है जय हिंद जय भारत, दिखा नहीं सका आपको कैमरा डैशबोर्ड पे लगा हुआ है, तो मैं दिखाता, मगर एक चीज़ मुझे नहीं पसंद है सिर्फ यहाँ पे उसकी एम्बेसी का अपने की बिल्डिंग बड़ी बाहर से देखने में बड़ी खस्ता हाल है, पुरानी है, वो लोग बहुत दिन से है, पर ये मेन ब्रांच है जिंदा की। और ये बसातीन मॉल है राइट साइड में, ये इसमें गोल्ड वोल्ड के ज्वेलरी है। और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो देख रहे हैं ये मरकज़ सयाद के नाम से ये मार्केट भी बहुत मशहूर है, इसमें भी सब इंटरनेशनल ब्रांड मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। पहले ये बहुत चलता था मगर आज के लिए डाउन है, नहीं तो पहले। और दूसरी चीज़ ये लेफ्टी साइड में देखिए जिद्दा मॉल है, ये भी बहुत पुराना है, आजकल इस पर काम चल रहा है, बंद है, रिपेयर का काम चल रहा है। और इसकी वीडियो बनाई हुई आप देख सकते हैं, पहले ये दोनों बहुत चलते थे मगर आजकल वो थोड़ा सा। और ये जो राउंड अबाउट इसका नाम है मैदान अल नवाह। और ये राइट साइड में देखिए आप मरकज़ तहलिया तिजारी है यानी ये शॉपिंग मॉल, और इसमें रोलेक्स की है शोरूम है, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी कॉफ़ी शॉप ऑफिस के अंदर, कमाल का है ये भी, मगर मार्केटिंग के लिए कुछ ख़ास नहीं है। कालिया शॉपिंग सेंटर, ये सब पहले हुआ करता था, अभी इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए ना, इनकी वैल्यू कम हो गई, अभी लोग बहुत कम जाते हैं इसमें, तो एक टाइम थी कि इन लोग का अपना बोलबाला था। जिद्दा में सबसे अच्छा जो रोड लगता है ना शॉप ऑफ के मामले में, मार्केटिंग सबसे खूबसूरत और सबसे काम का रोड यही है। और ये देखिए आ रहा है मैदान अल सैफ, और लेफ्ट साइड में था एक मॉल था उसका नाम देखिए मैं भूल रहा हूँ, ये द्वार सैफ, ये तरीके है अमीर सुल्तान है, ये भी लंबा रोड है दूर तक जाएगा ये। और ये वर्जिन का स्टोर है लेफ्ट साइड में देखिए, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, शॉपिंग मॉल का नाम मैं बोल रहा हूँ
इसके अंदर जो वर्जिन स्टोर, इसकी वीडियो वर्जिन स्टोरी के नाम से मैंने बनाई हुई, आप देख सकते हैं ये शॉपिंग मॉल कैसा है, अच्छा शॉपिंग मॉल है ये भी, और वही बात है ना, अब ज़्यादा चलता नहीं है। तो सबसे खूबसूरत इस रोड पे यहाँ तक की कहानी थी, यहाँ तक सबसे खूबसूरत था, उसके बाद यहाँ से तो बस कुछ ही है चीज़ें रह गई हैं देखने की, दिखाने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ से खाली खाली ये लगता है। मगर ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ये कमाल का है। और ये देखिए अभी नया ये बना था, मैं वो ध्यान नहीं दे पाया इसका, ओलिवा मेडिकल सेंटर ये है। और ये अभी क्या बताएं, यहाँ पे अब कुछ रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे और बैंक वैंक है, बाकी यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई। लेफ्ट साइड में और है जो चीज़ दिखाने वाली वो बहुत अच्छी थी, मगर मैं दिखा नहीं सकता, हाथ देख रहे हैं, ऊपर भी कैमरा था तो यूज़ तो कर नहीं सकता, मोबाइल वोबाइल में गाड़ी ड्राइविंग करते टाइम, तो इसलिए मुश्किल है। और ये सामने जो आ रहा है, और इसी के साथ ये तरीक मलिक अब्दुल अजीज़ यहाँ से चालू हो, जैसा कि आपने देखा ये रोड यहीं पर ख़त्म होता है, इसके आगे आ जाएगी, यानी इस रोड के बाद तरीक मलिक अब्दुल अजीज़ के बाद है दवार बरमेल, हरे हरे कलर की, शायद आपको सही से ना दिखा पाऊँ मैं, और उसके बाद आ जाएगा वो पानी फिल्टर करने की कंपनी, उसके पीछे समंदर ही समंदर है, यानी हम पहुँच गए एंड पे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।